और बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर बड़ी है, बहुत अच्छा लगा। I'm feeling good, I'm feeling great, I'm feeling on top of the world. मेरे बेबी की पिक्चर है, why wouldn't I be happy? बस मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर इन तीनों के लिए ये करे। It's all hard, amazing, I loved it. My God, it's I had seen it once in a rough form, but now I've seen it completely with background music with everything. Welcome, ladies and gentlemen. आप सबका फिर से स्वागत है। दोनों मूवी हो चुकी है रिलीज और उसका रिव्यू देखा है हमने पब्लिक विद सेलिब्रिटी, जिस तरह से इसे रिएक्शन दे रहे हैं सलमान खान, देखिए ये सीन में। बस मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर इन तीनों के लिए ये करे जो कि हमारे लिए किया था, भाग्यश्री, सूरज बाबू और मेरे लिए किया था, राजवीर, पलोमर, अवनीश के लिए, ये सबसे बड़ी हिट हो उनकी और इससे बड़ी बड़ी बाद में आती जी। जिस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं इसे सनी देओल, देखिए सीन। I'm feeling good, I'm feeling great, I'm feeling on top of the world. मेरे बेटे की पिक्चर है, why wouldn't I be happy? और बॉबी देओल भी है और सारे, अरमान मलिक भी इसके अंदर है और उषा मंगेशकर भी। तो ये मूवी है सूरज भरजातिया के बेटे अवनीश भरजातिया की। दोनों जो मूवी है ये मूवी है तीनों कलाकार के लिए, नहीं पूनम ढिल्लो की बेटी पलामा ढिल्लो, तो सूरज भरजातिया के बेटे अवनीश भरजातिया और साथ ही है सनी देओल के बेटे राजवीर देओल। तो जिस तरह से पब्लिक रिव्यू आ रहा है इसके ऊपर, तो हम वो भी देख लेते हैं, देखिए पब्लिक रिव्यू किस तरह दे रही है इसके ऊपर। रेटिंग कितनी देंगे पांच में से? पांच में से It's a good movie. It's a good movie. What about the story and acting? Well, it's got a sweet little message to it. It's sweet. The actors are all fresh, new faces. They're talented. About Rajveer and Paloma. Everybody. Rajveer looks so innocent and nice, and Paloma and that Alina, they all worked very well. They didn't behave like novices. Movie, sir? Very good. Very good. Enjoyable. कैसे लगी? It's good. Good. कैसे लगी? Beautiful movie. Super, very nice, must watch. Excellent movie. Excellent. Yes. How was the movie? Amazing, very good. पब्लिक का रिएक्शन इस तरह से आ रहा है। इधर ये बात करते हैं हमें ये मूवी किस तरह लगी है और क्या है इसके अंदर मूवी के अंदर और किस तरह इसके है डायलॉग और किस तरह इसका परफॉर्मेंस, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम करते हैं सारे टॉपिक के ऊपर बात, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं स्टार्ट। 2000 years later. दोस्तों ये है राजश्री प्रोडक्शन की मूवी, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर शादी वाला, लव वाला और रोमांटिक वाला सीन तो बिल्कुल आएगा। तो अगर इस मूवी को एक लाइन के अंदर रिव्यू करूँ तो मूवी जबरदस्त लेवल की लगी है। जिस तरह राजश्री प्रोडक्शन वाले मूवी बनाते हैं उस तरह से नहीं, कुछ नया तरह का कंसेप्ट लगा है। और वेडिंग की क्या वैल्यू है, रिलेशन की क्या वैल्यू है और साथ ही लव की क्या वैल्यू है, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई। तो फिल्म का ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 36 मिनट। और फाइनली दोस्तों हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको रोमांटिक मूवी पसंद है, अगर आपको फैमिली रिलेशन और फैमिली वैल्यू वाली मूवी पसंद है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि बिंदास चाची ये मूवी देखिए पहली फुर्सत। मूवी के अंदर बताया जाता है कि किस तरह से अब वेडिंग का जो कल्चर चेंज हुआ है और साथ ही नए नए कल्चर के हिसाब से किस तरह से अब वेडिंग हो रही है, वो भी इसके अंदर अच्छा खासा फिल्म आया गया है। राजवीर देओल की एक्टिंग की और परफॉर्मेंस की और साथ ही पलामा ढिल्लो की, तो दोनों ने ही गजब एक्टिंग और गजब परफॉर्मेंस दिया है इसके अंदर। साथ ही डायलॉग भी इनके जबरदस्त लग रहे हैं, हमें केमिस्ट्री दोनों की अच्छी लगी और साथ ही ये हमें मूवी फुल्ली इंगेज करके रखती है। जिस तरह से हमें फुल इंगेजिंग मूवी चाहिए तो साथ ही चाहिए हमें म्यूजिक, तो इसे म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लव ने, जिसका म्यूजिक बहुत क्लास होता है और गजब होता है, तो जो आपको थिएटर के अंदर फुल एंटरटेनमेंट देखे जग सारा तू है। मूवी के अंदर जो क्लाइमेक्स शूट किया गया है ना, उसके अंदर आपके आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेक्स बनाया ना भाई साहब, आपको खुद को अंदर से फील होता है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके। तो बात की जाए अगर इस मूवी की न्यूडिटी की और वल्गर सीन की, तो इसके अंदर वल्गर सीन और न्यूडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। आप फैमिली के साथ जाकर भी ये मूवी फुल एंजॉय कर सकते हो। हम रेटिंग देंगे 5 में से 3.5 की रेटिंग देंगे, क्योंकि मूवी का कंसेप्ट भी अच्छा लगा है और साथ ही मूवी का स्क्रीन प्ले भी अच्छा लगा है और साथ ही साथ नए कास्ट के साथ परफॉर्मेंस और नए डायरेक्टर के साथ शूट और डायरेक्शन भी अच्छी तरह की गई है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू हमारी तरफ से। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ गलती लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो भी चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।